मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत मंगली मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्दुतर कल्याणे सालोकानां लोकानां यद् विद्या दर्पणाय वे। आज उत्तम आकिंचन में धर्म का दिन है। अब ये जो शब्द है ये आकिंचन यही अपने आप में इतना कठिन लगता है कई लोगों को कि वो पहले ही नाम से ही जो है घबरा जाते हैं। ये क्या है आकिंचन? त्याग समझ में आता है, सत्य समझ में आता है, तप समझ में आता है, ये आकिंचन क्या चीज? इसी से कठिन कठिन नाम जोड़ रखे हैं कि आदमी बेचारा नाम सुन के ही घबरा जाए। क्या है ये आकिंचन? क्या अर्थ है इस आकिंचन धर्म का? तो इस आकिंचन का अर्थ है किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है वो आकिंचन धर्म है। परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरे आत्मा के अलावा कुछ भी संसार में मेरा नहीं है। बोलते भी है सामायिक पाठ में, मेरो तो एक आत्म कामे ममत जुकीनो और सबे मम बस यही आकिंचन धर्म है। मेरो तो एक आत्म, मैं तो एक आत्म स्वरूप हूँ और उसमें ममत्व करने का नाम, उसमें अपनापन करने का नाम आकिंचन है। और सबे मम भिन्न जानी, और सब मुझसे क्या है भिन्न है, उन सबको भिन्न जानकर और समता रस में रहना माने उन सब परद्रव्यों में राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम आकिंचन धर्म है। और जिस प्रकार प्रत्येक धर्म की विरोधी कोई न कोई चीज है, क्षमा का विरोधी कौन है? क्रोध। मार्दव का विरोधी मान। ऐसे इसका भी कोई विरोधी होना चाहिए ना। कौन है इसका विरोधी? इसका विरोधी है परिग्रह। आकिंचन धर्म का विरोधी परिग्रह है। क्या? और इसीलिए इस धर्म के अंदर बहुत चक्कर है। कारण क्या है? देखो कि परिग्रह हमें बुरा नहीं लगता है और इसलिए परिग्रह के अभाव में आकिंचन धर्म अच्छा कैसे लगे, जबकि इस धर्म को सार कहा है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, दस धर्मों के सारभूत आ गए अपन। क्या अब आखिरी दो दिन सार की बातें हैं? ये आखिरी दो धर्म सारभूत धर्म है। देखो क्या है, कोई भी हिंसा करता है, हिंसा करने वाला, मारपीट करने वाला, हाथ पैर चलाने वाला, तो अपन उसको क्या कहते हैं? पापी। क्यों पापी कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। कोई एक थप्पड़ मारे अपने को, अपन अभी अपने कोई मारा पिट्टी करे तो अपन कह देंगे बहुत पापी है, दुष्ट है, एकदम झूठ बोलने वाला पापी, चोरी करने वाला महापापी, परिस्थिति सेवन करने वाला पापी का भी पापी, और परिग्रह जोड़ने वाला। हाँ क्या बात कर रहे हो, क्या परिग्रह को पापी के देख लो अभी आप। क्या शांति से जिंदगी जीना हो तो आदमी की हिम्मत नहीं कि वो उसको पापी कह दे, बल्कि पापी कहना तो दूर की बात है। हम तो परिग्रही को इतने विशेषण देते हैं कि जितने विशेषण किसी धर्मात्मा को भी नहीं देते हो। अभी समझ लो अपन यहाँ 10 दिन तक प्रवचन करे, अपना गला खराब हो जाए, तबियत सब कुछ बिगड़े, 10 दिन अपन पूरी ताकत लगा दें। 11वें दिन एक सेठ जी आए, सेठ जी आगे खड़े हो जाए,
क्या उनका नाम लेके बोल के बुलाया जाए उनको भाषण के लिए। सेठ जी आए यहाँ पे और खड़े होके अपनी जेब से एक कागज निकाले, दो चार मिनट तक तो कागज खोले और फिर कागज भी ढंग से पढ़ते नहीं बने, लेकिन जैसे तैसे टूटी फूटी भाषा में, मैं यहाँ तिलक नगर जैन समाज को मंदिर के 5 लाख रुपए के दान की घोषणा करता हूँ, इतनी तालियां मिलेगी जितनी पंडित जी को 10 दिन गला खराब करने पे भी नहीं मिली होगी। क्या, और फिर देखो क्या गुणगान होगा उनका, सेठ जी जैसा तो कोई धर्मात्मा ही नहीं है, सेठ जी जैसा तो कोई विद्वान ही नहीं है, सेठ जी जैसा तो कोई गुण का जानकार ही नहीं, गुणवान ही नहीं है, सेठ जी जैसा तो कोई उदार ही नहीं है। मैंने इतने विशेषण सेठ जी को मिलेंगे कि पंडित जी सोचेंगे कि इतने तो अपन ने किताब में ही नहीं पढ़े। क्या, इसलिए कवि हुआ भर्तृहरि कवि, उसको लिखना पड़ा, यस्य अस्ति वित्तम, जहाँ वित्त है स नर कुलीना वही नर कुलीन है, स पंडिता वही पंडित है, स धर्मज्ञ स शूरवीर। क्यों, क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, समझे, सारे गुण कंचन के आश्रय से बसते हैं। क्या, हमको तो सारे गुण कहाँ दिखते हैं, जहाँ सोना, सोना माने जहाँ धन हो, हमें तो सारे गुण वहीं दिखते हैं। धनवान पापी से पापी हो तो भी उसकी हम ऐसी चापलूसी भटई करते हैं कि मानो सारे गुण साक्षात भगवान ही चल के यहाँ आ गए हो। क्या, कितने ही तो इसमें इतने एक्सपर्ट होते कि भगवान की भी कोई विधि विधि होगी, उसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर बुला के कर लेंगे काम। इसलिए हमें परिग्रह वास्तव में पाप लगता नहीं है, बात तो मेरे को ये कहनी थी। क्या, हमारे यहाँ तक कि विधानों में ऐसा है, व्यापार व्यवसाय वृद्ध्यर्थम एक अर्घ चढ़ाते हैं उसके लिए, शांति विधान के अंदर एक अर्घ है व्यापार व्यवसाय वृद्ध्यर्थम। अब यदि व्यापार व्यवसाय परिग्रह है तो परिग्रह की वृद्धि के लिए अर्घ चढ़ाना माने हम भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान पाप की वृद्धि हो, शांतिनाथ भगवान से भी कह रहे हैं कि थोड़ा धन धन संपदा वृद्ध्यर्थम, धन संपदा की वृद्धि हो। क्यों, तो शांतिनाथ भगवान तुम्हारे धन संपदा की वृद्धि करेंगे ना, माने जिसको वो पाप के गए और वो पाप तुमको देंगे, उन्होंने पाप कहा ना, किसने कहा है पाप, 5 पाप होते अपन ने बचपन में पढ़े कि पढ़े, बच्चों को पाए हमने, तो हमने भी पढ़े हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो पाप तो परिग्रह भी पाप ही है, तो फिर ये परिग्रह पाप है तो फिर परिग्रह की मांग कैसे की जा सकती है, और भगवान के पास वो पाप रखा है क्या जो तुमको देंगे, और भगवान को तुम्हें देना होगा तो वो पाप क्यों देंगे, पुण्य देंगे ना, मानते हो शांतिनाथ भगवान हमारे फिक्स, दुकान नहीं चल रही है शांतिनाथ भगवान, धंधा नहीं चल रहा है शांतिनाथ भगवान, मकान नहीं बिक रहा शांतिनाथ भगवान, सब काम शांतिनाथ भगवान। क्या, इतनी मतलब हमको परिग्रह की इतनी आसक्ति है कि हमें परिग्रह पाप आसित नहीं होता, बल्कि हम तो बहुत उसके इतने गीत गाते हैं, अरे परिग्रह तो महा पुण्यात्मा है साहब, भाग्यात्मा है और धर्मात्मा है, नहीं कहते अपन, तो ऐसा क्यों है, कहते तो शास्त्रों में भी कहा ऐसा नहीं, शास्त्रों में भी कहीं कहीं परिग्रही को पुण्यात्मा कहा गया है, धर्मात्मा तो नहीं पुण्यात्मा कहा है, तो कुछ कारण तो होना चाहिए इसमें, एकदम ऐसे ही थोड़ी नहीं कोई बिल्कुल बिना कोई आधार के उसको पुण्यात्मा कह देंगे, तो इसमें आधार तो है, इसमें कारण तो है। क्या कारण है इसमें, इसमें ये कारण है कि हिंसा झूठ चोरी कुशील इन चारों का जो बीज है वो पाप है, और परिग्रह का बीज वो पाप नहीं है। क्या, पहले जीव ने पाप नहीं किया था, पाप के उदय में परिग्रह नहीं मिलता है, परिग्रह आता है पुण्य के उदय में, माने पहले जीव ने विशुद्ध भाव किए पुण्य परिणाम किए
संतोष रूप भाव किए तो ये जो अभी मिला है वो उस संतोष रूप भाव का फल है, इसलिए प्रशंसा हम उस पुण्य की कर रहे हैं जिसके फल में ये मिला है। समझ में आया? हिंसा झूठ चोरी के साथ में ऐसा नहीं है, उसका बीज भी पाप है, लेकिन परिग्रह का बीज पाप नहीं है। परिग्रह पाप के उद्देश्य आप, परिग्रह आता पुण्य के उद्देश्य, और अब क्या आया तो पुण्य के उद्देश्य, लेकिन हे क्या पुण्य की पाप है तो हे वो पाप, लेकिन उस पाप होने पर भी उसके उस पाप रूपी वृक्ष का फल ऐसा है कि यदि उस फल को हम खाएं तो मरे और हम बोएं तो कालांतर में अनेक अमृत के वृक्ष उत्पन्न हो जाए। क्या मतलब? मैंने इस परिग्रह रूपी वृक्ष में कुछ ऐसी विशेषता है कि इसके फल को भोगने वाला वो पाप बांधता है। क्या? परिग्रह का जो फल है ना, पुण्य के उदय से परिग्रह प्राप्त हुआ और उस परिग्रह को भोगने का जो भाव है वो पुण्य भाव है कि पाप भाव है? परिग्रह को भोगने का भाव है पाप भाव, और वही परिग्रह यदि उपकार में लगे तो वो परिग्रह भले ही पाप हो, लेकिन पाप होने पर भी यदि वो परोपकार में लगता है तो उसको भला कह दिया जाता है और वो पुण्य बंध का कारण कहा जाता है। शास्त्र पूजा में लिखा बहु धन बुराहु, धन तो बुरा ही है वैसे, भला कहिए, भला कह दिया जाता है कब? लीन पर उपकार सो, यदि परोपकार में लगे तो है, नहीं तो नहीं। यदि वो दूसरे के उपकार में लगे तो भला कह दिया जाता है, दूसरे के उपकार में नहीं लगे और अपने भोग में लगे तो क्या काम का? पाप बंध का कारण। लोग से यदि किसी को लाभ मिलता हो, किसी के धन से यदि किसी को लाभ मिलता हो तो लोग उसको भला कह देते हैं और उसके लिए भी पुण्य बंध का निमित्त हो जाता है। यदि वो किसी के काम नहीं आए, उसके ही भोग के लिए रहे तो वो परिग्रह उसके लिए पुण्य बंध का कारण भी नहीं रहेगा, पाप बंध का कारण रहेगा। देखो ऐसा है कि दुनिया में भी दुनिया उसी के गीत गाती है जिससे किसी को कछु लाभ मिले। क्या हमारे पड़ोसी कितने ही बड़े सेठ जी हो, लेकिन एक पैसा उनसे हमारे लिए तो क्या किसी के लिए नहीं निकलता है। तो हो अपने घर के सेठ, यदि उनसे हमारा कुछ लाभ नहीं हो तो हमें क्या फायदा? क्या कुछ लाभ? कुछ नहीं तो हमारे क्या काम के सेठ? अपने घर के होंगे, सेठ जी होंगे, हमें यदि उनसे कुछ लाभ मिलता हो तो हमारे काम के। कोई पंडित हो, बोले सो बहुत बड़े हैं। क्या इतने बड़े हैं कि वो जो भी कछु कहे थे अपने समझ में कछु नहीं आवा था? इतनी ऊंची ऊंची बात करते अपन छोटे मोटा, तो अपने लाभ का क्या? जिसको सुन के दो बातें सुन के अपने परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न हो, जो बात अपने समझ में आए, अपना चित्त धर्म में लगे, काम की, तो वही ना। क्या? तो इसलिए वो कहते हैं वो परिग्रह जिसके भोग में लगता है वो परिग्रह कोई काम का नहीं, वो अपने घर के राजा हो सकते भले। क्या? तो इसलिए इस परिग्रह के अंदर तीन चीजें हो गई, परिग्रह का पुण्य, परिग्रह का बीज पुण्य, परिग्रह स्वयं अपने आप में पाप, और परिग्रह का फल दो प्रकार का, भोगे तो पाप और धर्मार्थ में परोपकार में लगाए तो पुण्य। और दूसरी एक चीज और कही उसमें, बहु धन बुराहु, ये जो धन है ये तो बुरा ही है और बहु धन तो बहुत ही बुरा है। शास्त्रों में आती है एक बात कि बाढ़ का पानी कभी सफेद नहीं होता, मटमेला होता है, पीने लायक नहीं होता है। पीने का पानी तो जो बिल्कुल धीरे धीरे बहता है आराम से, क्या जिसमें कचरा नीचे बैठ जाता है, भले ही धीरे धीरे कम प्रवाह में बहता है, मतलब उसका स्तर भले ही कम रहता है, लेकिन पानी पीने के वही काम आता है। बाढ़ का पानी कभी अच्छा नहीं होता, बाढ़ का पानी नियम से गंदा होता है, मेला होता है, तबाही मचाता है। क्या? तो ये जो कहते हैं पंचम काल में ये जितना भी दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, ये सब बाढ़ का ही पानी है।
क्या पंचम काल में ऐसे पुण्यात्मा नहीं आते कि जिनके घर में चक्ररत्न हो जाए? क्या जिनको चक्रवर्ती जैसी पटरानी मिल जाए ऐसे पुण्यात्मा नहीं होते? शास्त्रों में लिखा पंचम काल में तो अत्यधिक धन जो आता है तो कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पाप का बीज है। मैंने पाप का बीज मैंने पाप के द्वार से आ रहा है। पाप के द्वार से मतलब वर्तमान में भी उसने कुछ हो सकता है पाप किया हो। खैर जो भी है, पाप तो इतनी है कि परिग्रह के अंदर तीन स्वभाव है, लेकिन ये सब बातें फिर भी व्यवहार की। मैंने परिग्रह वाले को पुण्यात्मा कहना, पूर्व पुण्य का उदय देखकर अभी वर्तमान में उसको पुण्यात्मा कहना, ये व्यवहार। वास्तव में तो जिनवाणी उसको पुण्यात्मा कहती है जिसके पुण्य रूप भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, पूर्व के उदय से यदि हम जीव को पुण्यात्मा पापात्मा कहते तो एक वेश्या है जिसके भले ही पूर्व पुण्य के उदय से धन हो, क्या है तो पुण्य का उदय, लेकिन क्या हम उसे पुण्यात्मा कहेंगे? हम तो उसको पापात्मा ही कहेंगे। किसी चोर डाकू के पास में धन आ गया हो, क्या पूर्व का कोई उदय से धन हो तो भी हम उसे पुण्यात्मा नहीं कहेंगे? और कोई मुनिराज है और उनके भले पाप के उदय से उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो तो भी उस समय उनके धर्म रूप परिणाम है, इसलिए हम उन्हें धर्मात्मा ही कहेंगे, पुण्यात्मा भी नहीं, धर्मात्मा। जिनवाणी ये कहती है कि किसका क्या उदय चल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, किसके कैसे भाव चल रहे हैं उससे हमको लेना देना है। यदि वास्तव में तुम्हारे पुण्य रूप भाव है तो तुम पुण्यात्मा हो, पाप रूप भाव है तो पापात्मा हो, और धर्म रूप भाव है तो धर्मात्मा। पहले के उदय से क्या लेना देना? पहले की तो बासी कमाई है, तुम अभी क्या कर रहे हो ये बताओ। क्या तो इसलिए ये जो पुण्यात्मा कहा है ना परिग्रही को, ये केवल व्यवहार से कहा है, परमार्थ से तो परिग्रह पाप ही है, और परिग्रह का जोड़ने का जो भाव है वो पाप रूप भाव ही है। उसको पाप कहा है शास्त्र में। क्या अब ये परिग्रह की जब भी चर्चा चलती आती है तो इसमें पूजन में आता है कि भाई परिग्रह के कितने भेद है, उसमें पूजन कार ने बताया ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज। नहीं, देखो क्या लिखा है, बोले परिग्रह के 24 भेद हैं, ये किसके लिए कहे हैं? त्याग करे मुनिराज जी, मुनिराज के लिए है, त्याग करे वो, अपने लिए थोड़ी एक अच्छा त्याग करने को, तो मुनिराज के त्याग करने के लिए कहे। तो तुम अगली पंक्ति पढ़ो ना, यहीं क्यों रुक गए? आगे क्या लिखा है? तृष्णा भाव उच्छे, तृष्णा भाव का उच्छेद करो। ये तृष्णा पूरे लोक में व्याप्ति है क्या, इसलिए इस परिग्रह का परिमाण करो। बिना परिमाण किए ये तृष्णा का कोई रोक नहीं हो सकता है, इस तृष्णा पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसको उच्छेद करो। ये तो पूरे लोक में व्याप्ति कितना चाहिए? क्या एक आदमी बोले साहब मैंने भी परिग्रह का परिमाण कर रखा? कितना परिमाण कर रखा? 25,000 करोड़। कम है तो 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ ही करता है, है? ये कोई नियम है तुम्हारा 25,000 करोड़ का? 25 रुपए नहीं है जेब में 25,000 करोड़ का? ये तो ऐसी बात हुई, मैंने साहब दिग्व्रत ले रखा है, कहाँ का? जम्बू द्वीप का, जम्बू द्वीप से बाहर जीवन पर्यंत कहीं नहीं जाऊंगा, भरत क्षेत्र के बाहर निकल के बता दो तुम, जम्बू द्वीप की बात छोड़ो। नियम किसको कहते हैं? नियम उसको कहते हैं जिसमें अपनी तृष्णा पर बंदिश लगे, रोक लगे। तृष्णा को फैलाने का नियम तो ही नहीं है क्या? ये परिमाण उसका किया जाता है जो है उसमें संतोष करना, अथवा उसी में हम अपना जितने में जीवन निर्वाह कर सकेंगे हैं, उसके आसपास की अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं की एक सीमा रख के उसके बाहर की वस्तुओं का त्याग करना, ताकि उसमें अपना परिणाम न जाए। अपनी लालसाओं का नहीं तो अभाव नहीं होता है, इसलिए अपनी लालसाओं को घटाने के लिए और ये तृष्णा के रोकने के लिए हम ये काम करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव का उच्छेद करो तुम भी अपनी, और घटती जान घटाइए,
ये तृष्णा ऐसी नहीं है जो घटाई नहीं जा सकती हो, ये घटती है ऐसा जान के इसको तुम घटाओ। माने ये ऐसा नहीं कि साफ नहीं, तृष्णा तो घट ही नहीं सकती, इच्छा तो बढ़ती रहती है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, महापुरुषों ने भी इसको घटाया, महापुरुषों ने भी अपने पापादि कषायों का, लोभ आदि कषायों का अभाव करके वीतरागी परमात्मा हुए कि नहीं हुए। तो ये कषाय ऐसी चीज नहीं है जिसका, जिसमें कमी नहीं की जा सकती हो, जिसका नाश नहीं किया जा सकता हो, ये घटाई जा सकती है। इसलिए हम तुमको घटाने का उपदेश दे रहे हैं, घटती जान घटाइए। फिर आगे क्या कहा, उत्तम आकिंचन गुण जानो, ये उत्तम आकिंचन है, गुण है। और परिग्रह, परिग्रह चिंता दुख भी मानो, दुख भी मानो कि दुख ही मानो, कि दुख भी मानो सुख भी मानो, परिग्रह सुख भी मानो दुख भी मानो, क्यों कि दुख ही मानो, उसमें तो ये लिखा है दुख ही मानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह चिंता है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। कहीं भी बैठे आदमी, ये चिंता ऐसी हर जगह जलाती रहती है। चिता को जलाने के लिए आग चाहिए और चिंता के लिए कुछ नहीं चाहिए। यहां बैठा बैठा भी घर का ताला लगा क्या है, चाबी दे, थोड़ी देर फिर निकल पाए, हो सकता है चाबी ऐसे ही ले आया हूं, ताला लगे ही नहीं, निकल पाएंगे क्या? जिसके जितना घर में पड़ा है उसके उतने विकल्प है क्या? रात को छत पे नहीं सो सकते लोग कहीं, क्यों? अंदर माल पड़ा है नीचे की मंजिल में। मैंने एक को गर्मी में सलाह दी सचमुच, मैंने कहा ऊपर छोड़ा, अरे नहीं नीचे चोरी हो जाए। मैंने कहा क्या मतलब है, तुम उसके नौकर कि वो तुम्हारा नौकर, तुमको उसके लिए नीचे सोना पड़ रहा है, तो गुलामी तो नौकरी तो तुम कर रहे हो क्या? चिंता कहा है इसको, परिग्रह के अर्जन में चिंता, परिग्रह के उपार्जन में कितनी चिंता। एक बच्चे को 25-25 साल तक स्कूल जाना पड़ता है, इनसे पूछो कितने बस्ते लेके जाने पड़ते हैं बेचारे, 25 साल तक बाढ़ जोते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा जब इससे मुक्ति मिलेगी। जिस दिन परीक्षा खत्म होती है उस दिन ऐसा लगता है कि आधा मोक्ष हो गया, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर लगता है संसार चालू हो गया। दो रोटी कमाने के लिए कितने विकल्प करना पड़ता है कभी सोचो क्या? पुनः वापस से इतनी मेहनत हमें करनी पड़े, फिर पढ़ना पड़े क्या? मैंने एक बार ही इतने दुख भोगे और तो भी जीव थकता नहीं, क्यों? ये मनुष्य बढ़ियाए मिली है, इसके दुखों का विचार करो, कोई दुख कम है? गर्भ से लेके और युवावस्था तक के दुख, गर्भ में कितने दुख, जन्म के दुख, बचपन के दुख, बचपन में अज्ञानता में कितने दुख भोगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि परिग्रह के अर्जन की चिंता महादुख का कारण है। क्या बच्चा पहले तो पढ़ाई के लिए उसको माँ कहती बेटा पढ़ पढ़ पढ़, अभी तो बस पढ़, फिर जब वो पढ़ ले तो बेटा तेरे को पढ़ाया इसलिए कि कुछ क्या, अब आया है टाइम, तो अब आया है, इन्वेस्टमेंट किया था अब तक तो हमने, तो इसलिए एक तो अर्जन में दुख, दूसरा अर्जन हो जाए तो उसके संरक्षण में दुख, उसकी रक्षा करने में दुख क्या? क्यों? क्योंकि वो एक बार आ गया ना वो 1 रुपया, अब वो रुपया उसकी रक्षा करने की चिंता तुम्हारे ऊपर आ गई है, वो बाहर आ गया है कि अब ये 1 रुपया बराबर बना रहे, और बराबर बना रहे इतना ही नहीं, अब ये 1 के 2 हो, 2 के 4 हो, 4 के 8 हो, चिंता है। परिग्रह के अर्जन से लेकर परिग्रह की वृद्धि तक चिंता ही चिंता है। हमारा एक पड़ोसी था तो उसको हम एक बार बधाई देने बचे, भैया तेने जो उधर का पास का मकान लिया था उसके इतने अच्छे भाव बढ़े, तो बोले कहा है कि पंडित जी
हमारे उधर वाले एक आदमी ने उधर दूसरी दूर जगह ली थी वाकई, तो चार गुने बड़े हमारे तो दुगने ही हुए. क्या करो, क्या इसका कोई अंत नहीं है ना. एक गिद्ध पक्षी का उदाहरण दिया कि किसी एक गिद्ध पक्षी के पास में एक मांस की डली आ जाए, तो जैसे ही उसको मांस की डली मिली तो वैसे दूसरे जो गिद्ध पक्षी है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये जो मांस की डली इसको छोड़े. जब तक वो छोड़ता नहीं है तब तक उसको लहू लुहान कर मारते हैं. सब मिलकर उसके ऊपर इतनी चोचे मारते हैं कि बेचारा लहू लुहान होता है और अंत में घायल होकर उस मांस की डली को छोड़ना पड़ता है. और जैसे ही वो छोड़ता है तो दूसरे के पास आ जाती है. जैसे ही दूसरे के पास आई वो जो बाकी है वो सब मिलके उसको फिर नोचना चालू करते हैं. और ऐसे करते करते अंत में दो बचते हैं, वो दोनों लड़ते हैं और दोनों लड़के आखिरी में एक छोड़ता है, लेकिन छोड़ने के बाद में जो आखिरी बचता है वो इतना लड़ लड़ के वो भी घायल हो जाता है कि आखिरी में हाथ तो उसके भी नहीं लगती उधर. क्या तो मुसीबत की जड़ेगी जिसके पास है लड़ो. जिनके कछु नहीं है वो भाई अच्छे प्रेम से रह रहे हैं, और जिनके बहुत छोड़ गए वो कोड़ कचहरी चक्कर लगा रहे हैं. तो इसलिए वो परिग्रह को उन्होंने मतलब आदि मध्य और अंत तीनों में उन्होंने इसको कहा कि ये चिंता का कारण है और दुख ही जानो, माने ये इसमें दुख ही है, सुख लंच मात्र भी नहीं है. अज्ञानी जीवों ने इसमें सुख मान रखा है, लेकिन वस्तुतः परिग्रह दुख ही जानो. फांस तनक सी तनमय साल, कहते इतनी सी तनक सी फांस भी होती है तो वो तन को सालती है, दुखी करती है. यदि अपन चल रहे हैं और इतनी सी फांस भी लगी हो तो अपन कहते हैं यार मत चलो, अभी पहले फांस निकाल लो, फिर शांति से आनंद से निर्विघ्नता पूर्वक चल पाएंगे. तो कह रहे हैं इतनी सी फांस भी जब तन में सालती है, चलने नहीं देती है, उसी प्रकार चाह लंगोटी की दुख बाल है. एक लंगोटी की भी जब तक चाह होती है तब तक जीव दुखी होता है. क्या, क्योंकि एक लंगोटी की चाह है ना तो पराधीनता है. लंगोट चाहिए, फिर लंगोट को धोने के लिए बर्तन चाहिए, फिर उसके लिए धोने के लिए सुखाने के लिए एक रस्सी चाहिए, फिर रस्सी के वहाँ बांध के आए और फिर नीचे ध्यान करे, तो ये चिंता है भैया कभी धूप के अंदर सूख जाए उड़ नहीं जाए. दूसरी कहां से लाएंगे. क्या उसके माने इतनी सी लंगोटी की भी चाह जीव को दुखी कर मारती है. तो एक लंगोटी की चाह भी जब दुखी करती है तो जिनके लंगोटों की चाह है उनको क्या होता होगा. चाह लंगोटी की दुख बाल, एक लंगोटी की चाह जीव को दुख का कारण है. फांस तनक सी, जब तनक सी फांस भी दुख का कारण है तो बहुत बड़ा फांसा चुभ जाए तो वो जीव क्या करेगा. इसलिए उन्होंने कहा भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो समता रूपी सुख है वो बिना मुनि मुद्रा धारण किए प्राप्त नहीं होता है. क्या जो समता रूपी सुख है, समता सुख किसको कहते हैं. क्या पर द्रव्यों में राग द्वेष के अभाव पूर्वक जो शांति और आनंद का स्वाद है वो शांति और आनंद जब तक लंगोटी भी होती है तब तक भी प्राप्त नहीं होता. धनी नगन धन्य है वे मुनिराज जो यद्यपि नग्न है. धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, ये दूसरा नगन का क्या अर्थ है. एक नगन तो नग्न हो गया है, नग नग कहते हैं पहाड़ को और नगन कहते हैं पहाड़ों के राजा को. तो धन्य है वे मुनिराज जो यद्यपि नग्न है परंतु पहाड़ों के राजा माने बड़े बड़े विशाल पहाड़ों पर स्थित है. धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, धन्य यद्यपि वो नग्न होते हुए भी पहाड़ों के ऊपर विराजमान. अब गर्मी के ऊपर पहाड़ के ऊपर जाना और गर्म शिलाओं पे तप करना तो ये बहुत पुरुषार्थ का कार्य है. लेकिन वो कह रहे धन्य है, धन्य वे हैं कौन जो शरीर पर कुछ भी नहीं रखते, तन मात्र पे जिनके देह मात्र पे कोई परिग्रह नहीं है, नग्न अवस्था है और नग्न अवस्था होने पर पर्वतों के शिखर पर जो तप तपते ठाड़े माने स्थित है. धनी नगन परन धन्य है वो यद्यपि नग्न है पर तन परंतु उनका शरीर नगन ठाड़े पर्वतों पर स्थित है.
और इसलिए उनके सुर असुर पायनी पड़े, सुर और असुर उनके पाँव में पड़ते हैं। क्या सुर असुर धनवान के पाँव में नहीं पड़ते? शास्त्र में पढ़ा कहीं कि कोई सुर असुर ऊपर से आए हो कि भैया याने गाड़ी ली नहीं, तो उनके गाड़ी के उद्घाटन में आए हो, मकान के प्रवेश गृह प्रवेश में आए हो? क्यों सुर असुर किनके पाँव में पड़ते हैं? उनके तो ही नहीं जो नरक जाने वाले, क्योंकि परिग्रह को तो नरक आयु के आश्रय का कारण था। तो वे सुर असुर उन मुनिराज के पाँव में पड़ते हैं, तो धन्य है वे। क्या जिनके पाँव में सुर और असुर भी पड़ते हैं। सुर असुर पा यानी पड़े, घर माह तृष्णा जो घटावे, घर में रहकर भी जो तृष्णा को घटाता है। क्या ये अपने लिए ये बात कि अपन तो ये सब मुनिराज के लिए, जब मुनि बन जाएंगे एक साथ त्याग देंगे? भाई साहब मुनि बनोगे तब जब पहले घर में तृष्णा को घटाओगे। यहाँ तो खूब तृष्णा बढ़ रही, दिन दूने रात चौकने व्यापार व्यवसाय बढ़ रहे हैं, उसे फुर्सत मिलेगी कब जो तुम धर्म ध्यान करो? है मुनि पना तो उसको आएगा जो पहले परिग्रह में परिमाण करेगा, पहले उसमें जिसकी लालसा घटेगी, तृष्णा घटेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, तो वो होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जो घर में रहकर भी, घर माँ ही घर में रहते हुए भी तृष्णा जो घटावे, जो तृष्णा को घटाता है, इच्छाओं की लालसाओं को घटाता है, और रुचि नहीं संसार से, जिसको संसार से रुचि नहीं है, संसार जिसको दुखरूप लगता है, संसार से निकसना ही जिसको एकमात्र उद्देश्य है, चतुर्गति दुखरूप, चतुर्गति भयकारी लगता है, संसार से शरीर से और भोगों से जिसकी विरक्ति है, रुचि नहीं है इनमें, किन तीन चीजों में? चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार, मैंने चार गति में घूमने से जो थक चुका है, जन्म मरण धारण, जन्म मरण के दुखों से भयभीत है, चौरासी लाख योनिया, नरक त्रियंच गतियों में परिभ्रमण, संसार में अनेक जीवों के दुख देख देख कर, और इस संसार परिभ्रमण से जो भयभीत है, संसार में जिसको रुचि नहीं है, शरीर विरक्ति, शरीर जो है शरीर के स्वभाव का विचार करके जो इससे विरक्त है, क्या शरीर की अपवित्रता का विचार करके, निस्सारता का विचार करके, दुख रूप और दुख कारणता का विचार करके जो इससे विरक्त है, भोगों से विरक्त है, कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, मैंने संसार शरीर भोगों से जो विरक्त है, रुचि नहीं संसार सो, और बहु धन बुरा हूँ, धन तो बुरा ही है लेकिन वो भला कह दिया जाता है उसके लिए, यदि पुण्य के उदय से आए तो क्या करें? तो अब ठीक है, पूर्ण का पुण्य का उदय है किसी के, तो हमने उसको भला कह दिया कब, लेकिन लीन पर उपकार सो, यदि वो परोपकार में लगे तो। अब ये जब भी परिग्रह की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान सीधे गायब हो जाता है, रुपए पैसे, तो परिग्रह का परिमाण करने की बात चलती है तो सीधे रुपए पैसे की बात करते, तुमने कितने का परिमाण किया? 50 करोड़। तुमने 25 करोड़। लोग सीधे रुपए पैसे की बात करते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 24 जो परिग्रह के नाम है उनमें रुपये पैसे नाम का कोई परिग्रह है? 24 परिग्रह के नाम याद है? तो याद ही नहीं नाम लोगों को, तो क्या कहेंगे उनको, तो जो जमन में आ जाए जो कर लो। हमने 50 करोड़ का ले लिया, हमने 100 करोड़ का, जिनके 2 करोड़ के ठिकाने नहीं है, 50-100 करोड़ के नहीं। भाई साहब पहली बात तो रुपए पैसे में परिमाण होता ही नहीं, रुपए पैसे नाम का कोई परिग्रह ही नहीं है शास्त्र में। क्या कह रहे हो? हाँ, रुपये पैसे नाम का परिग्रह 24 में नहीं है। 24 परिग्रह के नाम निकालो, बल 2400 में एक भी परिग्रह का नाम रुपया या पैसा नहीं है। यदि रुपये पैसे परिग्रह होता तो सारे अमेरिका वाले अब परिग्रही हो जाते, उनके पास तो डॉलर है, सेंट्स है, गाय भैंस अपरिग्रही हो जाती, वहां के पास भी रुपया नहीं है, देवगति में सब अपरिग्रही हो जाते, नारकी अपरिग्रही हो जाते। इसलिए शास्त्रों में परिग्रह रुपये पैसे को नहीं कहा,
बहिरंग परिग्रह में भी रुपये पैसा नाम का कोई परिग्रह नहीं। शास्त्रों में दो प्रकार के परिग्रह हैं, पहले तो ये समझो, देखो एक बहिरंग और एक अंतर। बहिरंग परिग्रह माने बाहर की जो जो भी वस्तुएं हैं, क्षेत्र, जमीन, प्लॉट नंबर वन, फिर मकान, सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, द्विपद। द्विपद मैंने पहले होते थे ना, दो पांव के लोगों को लोग काम पे रखते थे, दास दासी, अब वो द्विपद से ज्यादा अपने टू व्हीलर हो गए दो पांव वाले। और चतुष्पद, चार पांव वाले गाय भेड़ वगैरह रखते थे लोग, उसका भी एक परिमाण रखते थे। अब चतुष्पद की जगह अपने फोर व्हीलर, द्विपद, चतुष्पद, सोना, चांदी और धन धान्य। धन माने क्या है, जैसे उसमें आ गया ना द्विपद चतुष्पद, दास दास ये हो गए पूरे, कितने हुए क्षेत्र हो गए ना दस। तो ये बहिरंग दस प्रकार के परिग्रह कहे हैं, ये बहिरंग है बाहर के। तो इनमें धन माने गोधन है, धन कहीं जब धन धान्य कहा तो द्विपद चतुष्पद नहीं कहा है, और धान्य माने अनाज, तो इनका परिमाण किया जाता है। इसमें रुपया पैसा नहीं, कारण है उसका एक सबसे बड़ा, कि रुपये पैसे का परिमाण करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रुपये पैसे की कीमत तो घटती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन होता रहता है। अब कोई आदमी यदि 10 करोड़ का भी नियम ले ले, 100 साल बाद उसकी 10 करोड़ की कीमत कितनी रह जाती है, जरा सी। तो इसलिए रुपये पैसे में कभी नियम नहीं लिया जाता। ये जो नियम लिया जाता है परिग्रह में, परिमाण भी किया जाता है, तो वो जीवन उपयोगी वस्तुओं का परिमाण किया जाता है जो अपने जीवन में बहुत काम आती है, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, और जो हमें जीवन में चाहिए ही। और अब उसकी कीमत बढ़े, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, तो अपने आप उसकी कीमत उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सोना चांदी है, क्षेत्र मकान है, तो ये अपने आप लौकिक व्यवस्था के हिसाब से इनकी कीमत उस हिसाब से प्रपोर्शन में एडजस्ट होती रहेगी। इसलिए तुम्हें कभी भी उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये दस ही नहीं है परिग्रह, तो ऐसे असंख्यात है और अनंत है। दस तो उपलक्षण मात्र है, क्या, क्योंकि आजकल आधुनिक युग के तो परिग्रह अलग ही है ना, मोबाइल, चप्पल, जूते, कपड़े, लैपटॉप, क्या। तो इसलिए वो शास्त्रकारों ने कहा है कि भाई परिग्रह दस ही मत समझना, बहिरंग भी। ये दस तो केवल उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण माने कि ये केवल तुमको समझाने के लिए कहे हैं, बाकी इनसे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परिग्रह है। जैसे उदाहरण के लिए कहा है कि किसी को हमने कहा कि भैया इस घी की कौओं से रक्षा करना, किससे, इस घी की रक्षा करना, कौए नहीं पी जाए ये घी। थोड़ी देर में आए तो देखा तो घी तो पूरा खत्म हो गया, तो हमने कहा भैया क्या हुआ, ये घी कैसे खत्म हो गया, कौए पी गए, तुमको के गए थे ना, कि नहीं कौए नहीं पी गए, तो घी कैसे खत्म हो गया, बिल्ली आई थी वो पी गई, तो बिल्ली कैसे पी गई, तुमको मना नहीं कर गए थे, नहीं आपने कहा था कौओं से घी की रक्षा करना है। कौए से घी की रक्षा करने का मतलब ये है कि भैया घी की रक्षा करना, कौआ तो एक उदाहरण दिया, कौआ हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, भाव समझा जाता है कि नहीं समझा जाता है। तो ऐसे ये दस प्रकार के परिग्रह नहीं है, परिग्रह तो असंख्यात प्रकार के हो सकते हैं, दस प्रकार के ये उदाहरण तो समझाने के लिए आपको कहें। और ये दस तो बहिरंग है, बाकी असली परिग्रह तो 14 अंतरंग है, और उनके परिमाण की तो कोई बात ही नहीं करता। सबको परिग्रह का परिमाण भी सूझता है, परिग्रह के त्याग की बात, बस सबका ध्यान कहाँ जाता है, बहिरंग, बाहर की चीजों। अंतरंग में परिग्रह भी कुछ है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कि अंतरंग परिग्रह भी कोई वस्तु है। पहली बात तो है, लोगों को यही नहीं मालूम है कि परिग्रह दो प्रकार के हैं, बहिरंग और अंतरंग। और बहिरंग 10 प्रकार के हैं और अंतरंग 14 प्रकार के हैं, और इन 14 में सबसे पहले नंबर का परिग्रह है मिथ्यात्व।
उस पर किसी का ध्यान क्यों? सब तुमने परिग्रह का परिमाण किया, हाँ किया, अच्छा परिमाण कर लिया तुमने, उसकी सीमा बांध ली, मिथ्या की कितनी सीमा बांध ली, कितना मिथ्या तो रखा कितना छोड़ा बताओ तुम, कैसे कितना छोड़ना, हम छोड़ देते अभी छोड़ देते क्या कि भाई साहब मिथ्यात्व कितना छोड़ना और कितना नहीं छोड़ना ये होता ही नहीं है, मिथ्यात्व का तो पूर्णतया त्याग होता है, लेकिन इनको मालूम हो कि मिथ्यात्व क्या है तो ये उसके पूर्णतया त्याग की बात करें, इनको मालूम ही नहीं है मिथ्यात्व के त्याग को परिग्रह का त्याग कहा है, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व वास्तव में इस परिग्रह की जड़ है, परिग्रह क्या बल्कि पांचों पापों की जड़ मिथ्यात्व है, जब तक हमारी मान्यता उल्टी रहेगी तब तक हम सब पापों में प्रवृत्ति करते रहेंगे, तब तक ये जीव घोर पाप करता रहेगा, हिंसा लोग क्यों करते हैं, हिंसा में जब तक आदमी धर्म मानेगा तब तक वो हिंसा छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, उसने उसमें धर्म मान रखा, जिसने रासलीला में धर्म मान रखा है वो भला क्यों उसको गलत मानेगा, माखन चोरी झूठ बोलना परिग्रह जोड़ना इनको तो लोगों ने अच्छा मान लिया, जब मान्यता में ही खोट है, पाप को यदि हम पाप ही नहीं जानेंगे बल्कि यदि हम पाप को ही धर्म मानेंगे तो क्या वो पाप हमसे छूटने वाला है, तीन काल में नहीं छूटने वाला है, पाप को छोड़ने के लिए सबसे पहले पाप को बुरा कार्य जाने तो पाप छोड़े, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपना दिमाग ठीक करने के लिए कहा कि तुम अपनी मान्यता ठीक करके आओ पहले, तुम्हारी यदि मान्यता उल्टी होगी तो तुम्हारे से कोई पाप छूटने वाले नहीं है, ऊपर ऊपर से छोड़ने से क्या होगा, और इसलिए परिग्रह के लक्षण में आचार्य देव ने मूर्छा परिग्रह कही है, रुपए पैसे को परिग्रह नहीं कहा, किसको कहा परिग्रह, कि मूर्छा है वो परिग्रह है, क्या क्यों, क्योंकि यदि बहिरंग परिग्रह को परिग्रह कहते तो ये जो भिखारी है इसके पास में बहिरंग परिग्रह तो एक भी नहीं है, हो सकता है नग्न हो बिल्कुल, कटोरा भी नहीं हो किसी के पास, तो भी उसको मूर्छा है, मूर्छा माने पर द्रव्यों में अपने पन का परिणाम उसके कायम है, और यदि उसके पर द्रव्य में अपने पन का परिणाम है, देहादि पर द्रव्यों को अपना मानता है तो उसके मूर्छा नाम का परिग्रह है, मूर्छित है, मूर्छित माने मोहित है, जो परद्रव्य में ये संकल्प करता है कि वस्तु मेरी है, मैं इसका हूँ, मैं ये मेरी थी, मैं इसका था, ये मेरी हो जाएगी, मैं इसका हो जाऊंगा, पर वस्तु का मैं स्वामी हो जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि वो परिग्रहवान है, भले उसके पास में अभी एक जो है ढेला भी न हो, क्योंकि परिग्रह का असली लक्षण तो मूर्छा है, अपन ने आज ही पढ़ा नहीं पढ़ा तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह था, और मूर्छा भाव ऐसा है जो एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब जीवों में पाया जाता है, माने वो ऐसा निर्दोष लक्षण है कि जो जितने संसारी है परिग्रही उन सब में वो पाया जाता है, निर्दोष है, भले ही पेड़ पौधा है लेकिन उसके भी मूर्छा है इसलिए वो भी परिग्रही है, देव है नारकी है उसके भी मूर्छा है इसलिए परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह का सद्भाव हो चाहे न हो लेकिन अंतरंग में जिसके मूर्छा पाई जाती है, मोह पाया जाता है, ममत्व परिणाम पाया जाता है, वो परिग्रही है, और ये ममत्व परिणाम केवल वर्तमान काल का ही नहीं, इसका तीनों काल में व्याप्ता है, माने भूतकाल में मेरी वस्तु थी, अभी मेरी वस्तु है, भविष्य में मेरी वस्तु हो जाएगी, पर वस्तु मेरी थी, मैं पर वस्तु का था, पर वस्तु मेरी है, मैं पर वस्तु का हूं, पर वस्तु मेरी हो जाएगी, मैं पर का हो जाऊंगा, ऐसी असंभव कल्पना है, अज्ञानी लोग राज नहीं करते, ये धंधा का क्या, आचार्य देव तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान में तुम्हारी वस्तु है, जिसको सारी दुनिया तुम्हारी कहती है, वो भी वास्तव में विचार किया जाए तो तुम्हारी नहीं, परमार्थ से अपनी कोई वस्तु नहीं, क्या इस आत्मा का अपने आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, और इस जीव की अकल तो इतनी दौड़ती है कि जो इसकी नहीं भी है उसको भी अपनी कहता है, क्या जिनसे हमारा संबंध छूट गया, जो हमारी कभी होने वाली नहीं होने वाली कैसी है क्या है कोई ठिकाना नहीं, हम उसमें भी अपनापन करते हैं, और आचार्य देव कहते हैं कि जो तुम्हारी है ना, जिसको सारी दुनिया तुम्हारी कह रही है, वो भी वास्तव में उसमें भी अपनापन छोड़ो,
हम एक जगह स्वाध्याय करने गए थे तो एक आदमी बोला, आप पंडित जी चलो हमारे साथ में, आपको एक चीज दिखानी, चलो। तो बहुत दूर ले गया वो, दूर ले जाके उसने एक हवेली दिखाई। ये जो हवेली दिख रही ना, कैसी लगी आप? अच्छी है, बढ़िया, क्या करें इसका, ये हवेली अपनी। तो मैंने कहा, हवेली यदि तेरी है तो यही ठहरा लेता, वहां क्यों ठहराया? तेरी पत्नी तो कहती किराए का मकान। अरे अब आप समझते ही, एक्चुअल में हवेली अपनी थी, क्या अपने दादाजी की हवेली थी। फिर बाद में थोड़ा बड़ा उनको धंधे वंदे में थोड़ा नुकसान नुकसान लगा, तो उन्होंने हवेली बेच दी। तो मैंने कहा, हवेली बेच दी तो पैसे नहीं आए अभी तक? पैसे क्यों नहीं आए? पैसे तो कब के आ गए, और वो खा खू के खत्म भी हो गए। तो मैंने कहा, पैसे आ गए, खा खू के खत्म हो गए, हवेली अभी भी तुम्हारी है, गजब है। इस तरह से मैंने कहा, यदि विचार करो तो अपने भी पूर्वजों में किसी न किसी का कुछ न कुछ होगा, तो ये सारे जितने लोग हैं पूरे इंदौर इनका हो जाएगा। किसी मूर्खता की बातें कर रहा है, जो चीज बिक गई, पैसे आ गए, चीज जिससे संबंध खत्म, तुम हर पंडित को ले जाते होंगे यहाँ, हवेली हमारी हवेली। फिर घर आए बोले, अपना मकान आ गया, अब तो अपना है ना। मैंने कहा, से अपना है? ये तो किराए का। अरे किराए का है मतलब नहीं, कौन खाली करना है उसको, क्या किराए की अपनी होती चीज। फिर एक दिन और घुमाने लगे, तो जो है बहुत सारी जगह जो है खाली थी। एक जगह थोड़ा सा कोई मकान वकान बन रहा था। ये जो मकान दिख रहा है ना अपना, ये अपना है। तो मैंने कहा, तुम फिर ये बताओ कि यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो? बोले, यहाँ इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि अभी अपन ने इसको खरीदा नहीं है, खरीदने का विचार चल रहा है। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा, भैया क्या पढ़ाते हैं अपन इनको और ये क्या बातें करते हैं? अपन इनको कह रहे हैं कि जहाँ दे अपनी नहीं, और इनने जो मकान खरीदी हुई नहीं है अभी है, और जो इनका बिक चुका है, इनका दिमाग उसमें जा रहा है। अरे जिसमें अपना कोई उदय नहीं है, है? जो पुण्य के उदय से प्राप्त वस्तुएं हैं उसमें हमें अपनापन छोड़ना था, और यहाँ तो ये स्थिति है कि जिसमें हमारा जो हमारे उदय से मिली नहीं है हमको, क्या जिसमें हमारा कोई ना कोई कर्म का उदय है और ना कोई हमारी किसी भी अपेक्षा से हमारी वस्तु है, और हम उसमें अपनापन किए बैठे हैं। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मेरे पिताजी ने जमीन नहीं बेची होती तो पंडित जी आज तो मैं अरबपति होता। क्या करे इसका, दुखी आदमी, क्या आधे परेशान लोग इसी में ही। यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता। अरे जो है उसमें अपनापन छोड़, और तू उल्टी गाड़ी दौड़ा रहा है। जो परिग्रह तेरे मिला नहीं, तेरा उदय में नहीं था, उसमें अपनापन कर रहा है, और जिनवाणी कह रही है जो तेरे उदय से मिला है तू उसमें अपनापन छोड़। और वो कहते हैं ऐसी कल्पनाएं है, कौन कर रहे हैं? कि ऐसी कल्पना एक दो नहीं, कि जितने यहां बैठे हैं दिन रात यही कर रहे हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करे, 24 घंटे इनका ये धंधा है। सुबह से उठते यही, मैं इतने का था, इतना हो जाऊंगा, क्या लोगों अपनी बैलेंस शीट फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं, क्या अभी तो लोन है लेकिन 10 साल में सब साफ हो गया, 20 साल में प्रॉफिट में, 25 साल में तो करोड़पति, और 30 साल में गया तेरी जिंदगी का ठिकाना है 30 साल में है। क्या ये एक क्षण का ठिकाना नहीं है? और वो उसमें इतनी अद्भुत बात जिनवाणी बता रही है कि तू अभी ये भावना भा इसी समय कि मेरा इस संसार में एक परमाणु मात्र भी नहीं है, और तू ये कल्पनाएं कर रहा है रोज, ऐसी असंभव कल्पनाएं। असंभव क्यों कही इसको? क्योंकि वास्तव में कोई परद्रव्य किसी का हुआ नहीं और हो सकता नहीं, इसलिए इनको असंभव कल्पनाएं कही है, कि ये सब तेरे मन की असंभव झूठी कल्पनाएं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, और भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ए विकल्प नहीं करे। तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी, इससे निर्णय हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे रात दिन ये विकल्प चल रहे हैं, ये मेरी थी, मैं इसका था, ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरी हो जाएगी, मैं इसका हो जाऊंगा,
ये अज्ञानियों के विकल्प, दिन रात ये धंधा पानी, एक नहीं पैसा जेब में, और भाई ख्वाबों में ही सब पति हो जाते हैं ये पूरे के पूरे। तो इसलिए उन्होंने मूर्छा को पड़ी रखा और उन्होंने कहा कि इस संसार के अंदर ये मूर्छा छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है, धन छोड़ना सरल है। सुनना है पूरी बात, धन को छोड़ना सरल है लेकिन धन को अपना मानना छोड़ना कठिन है। ये जीव जो है धन छोड़ देता है लेकिन धन में अपनेपन की बुद्धि नहीं छोड़ पाता, बल्कि ये कहता है मैंने इतना छोड़ा है, मैंने 10 करोड़ छोड़े, मैंने 20 करोड़ छोड़े, एक को इस बात की धुन लगी हुई है, मैंने इतने जोड़ रखे। क्या पूछता है वो, तुम्हारे पास क्या है, इनके पास क्या है, ये कितने की पार्टी, ये कितने की, एक की बुद्धि इसमें लगी हुई है और एक की बुद्धि छोड़ने में लगी हुई है, मैंने इतना छोड़ दिया, तुमने कितनी हरी छोड़ी, माने किसी को छोड़ने की धुन है, किसी को जोड़ने की धुन है, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि जिसको हम छोड़ने जोड़ने की कह रहे हैं वो ना हमारे छोड़ने से छूटती है और ना हमारे जोड़ने से जुड़ती है। क्यों? क्योंकि वो तो वास्तव में छुटी छुटाई है और उसका संयोग भी हमारी इच्छा से नहीं होता। परद्रव्य का संयोग न हमारे पूछ के होता है और न परद्रव्य का वियोग हमसे पूछ के होता है। परद्रव्य को जब आना होता है आता है और जाना होता है चले जाता है। हमारे जितने भी विकल्प है वो सब झूठे हैं। और परमार्थ बात तो ये कि जब हमारे संयोग में है तब भी वो वास्तव में हमारा नहीं है। क्या इसको त्यागने की बात, मैंने ये ऐसी है जैसी इसको ग्रहण करने की बात है। यदि हमने इसको ग्रहण किया हो, ग्रहण करने की बात सच्ची हो, तो परिग्रह त्यागने की बात भी सच्ची हो। जब हमने परिग्रह को ग्रहण ही नहीं किया, परद्रव्य जो हमारा हुआ ही नहीं, तो उसके त्याग की बात भी करना बेकार है। तो फिर इतनी सब बातें क्यों सुना रहे हैं कि परिग्रह का त्याग नहीं कराने की कह रहे हैं, परिग्रह को अपना मानने की जो बुद्धि है, क्या परिग्रह में जो एकत्व और ममत्व का भाव है उसके त्याग की बात कर रहे हैं कि उसका त्याग करो। परिग्रह तुम्हारा हुआ कब, जो तुम उसको छोड़ोगे ना उसको ग्रहण करोगे, वो तो परिग्रह तो पर ही है, परद्रव्य तो पर ही है, लेकिन उस परद्रव्य को जो हमने अपना मान रखा है, आचार्य तो उस मान्यता को छोड़ने की बात कहते हैं। और हम मान्यता तो छोड़ते नहीं, और हम तो बस इसने इतना छोड़ दिया, इसने इतना जोड़ दिया। आचार्य कहते हैं पागल है बावला। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे आगरा से जिसकी कोई की ट्रेन निकले और ताजमहल देखता हो कि भैया दो शराबी, एक शराबी बोले ये ताजमहल जो है ना, ये ताजमहल अपना खरीदने का प्लान है। दूसरा कहे नहीं कैसे खरीदेगा तू, क्या तू खरीदेगा कैसे, मैं बेचूंगा तो तू खरीदेगा ना। और ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अब इनकी लड़ाई जो है देखने वाला कितना है कि क्या मूर्ख है, क्यों ये बेचेंगे और ये खरीदेंगे, है ना। जैसे अपने यहाँ पे कोई दो जने लड़ ले कि मेरे को एक को राजबाड़ा खरीदना है, दूसरे में बेचूंगा ही नहीं, कैसे बेचूंगा तो खरीदेंगे। तो जो बेचने वाला उसका राजबाड़ा है और जो खरीदने वाला उसकी जेब में पैसे है जो खरीदेगा। जिस प्रकार से उसकी बेचने और खरीदने की बात करना मूर्खता है, उसी प्रकार परिग्रह को छोड़ना और परिग्रह को जोड़ना, आचार्य कहते हैं दोनों एक सरी के मूर्ख है। क्या जोड़ा हो तो छोड़ने की बात करे, छोड़ी हो तो जोड़ने की बात करे। इस परद्रव्य का इस जीव ने कभी अनादिकाल से कभी ग्रहण किया ही कहाँ है, वो ये मानने को तैयार नहीं है। क्या ज्यादा कहो तो पंडित जी कितना निकालना है धर्म के नाम पे, कई कई जगह तो लोग सीधे ही पैसे की बात करते, कितने देने हैं, 500, 1000, 5000, 2500। मैंने कहा भाई साहब हम तुमसे कुछ पैसे इसे लेने की बात नहीं करते, हम ये कह रहे हैं तुमसे कि अपनी मान्यता छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये मान्यता छोड़ने को सबसे बड़ा त्याग कहा है। मूर्छा जिसके त्याग हो गई, ममत्व त्याग हो गया, मोह त्याग हो गया, मिथ्यात्व त्याग हो गया, उसने वास्तव में अंतरंग परिग्रह को छोड़ दिया। क्या और ये नहीं छूटा हमसे, बाकी तो हमने परिग्रह को छोड़ा भी लेकिन परिग्रह को अपना मान के छोड़ा, परिग्रह को पर मान के नहीं छोड़ा। इसलिए आचार्य देव ने इसको कहा मूर्छा को वास्तव में परिग्रह कहा।
और मूर्छा ही नहीं, और भी परिग्रह तो और भी है, क्रोध मान माया लोभ इन्हें भी परिग्रह कहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं। हम गुस्सा कर रहे होते तो हमको लगता ही नहीं, हम पाप भी कर रहे हैं। मान कर रहे हैं तो अपने को लगता है मायाचार छल कपट, अरे हास्य भी कषाय और वो भी एक परिग्रह में है। 14 परिग्रह में हास्य कषाय का भी एक नाम है। लगते ही नहीं परिग्रह, छोड़ने की बात तो दूर है, पहले हमें वो ये तो लगे कि हास्य कषाय और कषाय हास्य कषाय भी एक परिग्रह का एक भेद है। 9 कषाय 4 कषाय और एक मिथ्या, ये कुल मिला के 14 अंतरंग परिग्रह के भेद है। समझ में आए कैसे? सबसे नंबर 1 मिथ्या, फिर क्रोध मान माया लोभ 1 और 4 5, और फिर 9 कौन से? हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ये सब परिग्रह के भेद है। और हमें तो हास्य लगते ही कि कोई परिग्रह भी कोई पाप भी, हमको तो भगवान भी हंसना चाहिए। इस भगवान में जब जाता हूँ भगवान ऐसा लगता है जैसे एकदम हंसना चालू हो गए, पागल भगवान हंसना चालू हो गए, हसमुख भगवान हसमुख। अरे भाई साहब भगवान तो शांत मुद्रा होती है, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। भगवान की मुद्रा शांत मुद्रा होती है, क्या भगवान की मुद्रा हसमुख नहीं होती? हंसी तो कषाय है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा सब कषाय है। क्या इन कषायों का अभाव करना परिग्रह पाप के लिए जरूरी है? परिग्रह पाप के अभाव करने के लिए, और इनसे सब आगे आगे देखो आकिन चंद धर्म जो साग रूप का ना, वो इसीलिए कहा है क्योंकि परिग्रह के पेट में ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं आया हो, इसमें राग और द्वेष सब आ गए, आए कि नहीं आए? देखो क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक सब कषाय, और सब कषायों का पिता मिथ्यात्व वो भी इसमें आ गया। माने मिथ्यात्व और कषाय वो सब की सब इस परिग्रह के पेट के अंदर समाहित है, इसलिए यदि इसका अभाव हो गया माने साक्षात वीतरागी बन गया। इसलिए परिग्रह का अभाव वो सबसे बड़ा धर्म और परिग्रह वो सबसे बड़ा पाप। और ये नास्ति से अपन ने बात किया, अपन कल बात करेंगे ना, इसी का अस्ति वाला पक्ष है ब्रह्मचर्य धर्म। माने नास्ति से जब ये कहा गया है कि परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, तो उसी बात को अस्ति से ये कहा है कि ब्रह्म माने एक निज आत्मा जो है वो मेरा है, और उस ब्रह्म में चर्या करना माने अपने आत्म स्वरूप में चर्या करना वो ब्रह्मचर्य है। परद्रव्यों से निवृत्ति, परद्रव्य में अपनापन छोड़ना और आत्म स्वरूप में अपनापन करना, क्या ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है? एक को हमने नास्ति से कहा और एक को हमने अस्ति से कहा। यदि परिग्रह के त्याग का नाम आकिंचन है तो आत्म स्वरूप में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है, और ये अपने आप उसके बाद में वो आएगा ना। अभी हमने कहा ये छोड़ो, तो ग्रहण किसे करें कि अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करें, जिसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी अपना समय भी हो गया, बाकी चर्चा कल जो है ब्रह्मचर्य धर्म के ऊपर।